हेलो गाइस, चटरी किचन 65 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रेसिपी है अमृतसरी पिंडी छोले। अमृतसरी पिंडी छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लेना है आधा किलो छोले, इसे मैंने अच्छी तरह से धोके रात भर भिंगो के रख देना है। देखिए ये सुबह तक फूल चुकी है, मैंने इसे उबाल लेना है। सबसे पहले मैंने गर्म पानी करके उसमें एक चम्मच चायपत्ती डाल के जब हम छोले को उबालेंगे तो उस पानी में चायपत्ती का पानी डाल देंगे। इससे क्या होता है, छोले में बहुत खूबसूरत कलर आता है। और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसे बॉईल कर लेना है। अब मैंने ले लेना है दो प्याज। प्याज को छील के मैंने इसे बारीक काट लेना है। और दो टमाटर काट लूंगी। अब मैंने एक कढ़ाई को गरम करके इसमें डाल देना है सरसों की तेल। तेल गरम हो जाने से मैंने इसमें डाल देना है जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता और कुछ खड़े गरम मसाले। इसके बाद मैंने इसमें डाल देना है कटे हुए प्याज और इसे नमक हल्दी के साथ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहना है। मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए टमाटर और कुछ देर ढक के पका लूंगी, इससे मेरे टमाटर अच्छी तरह से पक जाएंगे। देखिए मेरे टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। अब मैंने इसमें डालनी है कुछ पाउडर मसाले, जैसे धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये सबको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने फ्राई कर लेनी है। मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी भी डाला है। हम ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, आप वाइट शुगर भी दे सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसे ढक के कुछ देर पका लेना है। देखिए मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसमें से तेल निकल के आ चुका है। अब इसमें मैंने डाल देना है बॉयल किया हुआ छोले। छोले डाल के इसे मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब छोले जिस पानी में हम बॉईल किए थे वो पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे ढक के पकाएंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम देखेंगे हमारे छोले अच्छी तरह से बन चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसमें मैंने डाल देना है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे मिक्स कर लेनी है। अब हमारा लास्ट काम बाकी है। एक कलछुल में मैंने इसमें डाल देना है थोड़ा सा घी, हरी मिर्च, कटे हुए अदरक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इससे मैंने छोले पे छौंक लगा लेनी है। और बन गया हमारा डिलीशियस अमृतसरी पिंडी छोले। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। आज हम इसे खाने वाले हैं भटूरे के साथ। तो आज हमारे डिनर पे है छोले भटूरे। तो कैसा लगा आज का रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल चटोरी किचन 65। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।